हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज फिर मैं आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जीके इन हिंदी में लेकर आई हूँ, भूगोल, जिसमें पार्ट टू आज हम करेंगे। पार्ट वन पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ मैं, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। आप इसकी PDF हमारे सक्सेस मंच पेज और टेलीग्राम चैनल दोनों पे देख सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप हमें वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं और पेज को लाइक करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो वन लाइनर GK है, ये हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो SSC CGL हो, बैंक हो, CHSL हो, MPPCSE हो, UPPCS हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे डाले हुए हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं हर साल, लगभग हर एक डिफरेंट एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल का पार्ट टू। क्वेश्चन नंबर वन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है, तो इसमें जो ये बीच की लाइन होती है इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। तो जब दिन और रात दोनों बराबर होता है तो जो सूर्य है उसकी किरणें सीधे पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। किस महाद्वीप का विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी गोलार्ध में है। मतलब कि जैसे ये गोलार्ध हमारा बना हुआ है, तो इसमें ये चार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, में चार हमारे गोलार्ध होते हैं इसमें। तो ये जो सब में विस्तार है यहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप का, तो उसमें सबका विस्तार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन से जल संधि आपस में जोड़ती है। तो ये जल संधि दो डिफरेंट जलों को जोड़ने वाली, जैसे एक जल यहाँ पर है, एक जल यहाँ पर है, और अगर दोनों को जोड़ने वाली कोई संधि होती है तो उसे जल संधि कहते हैं, तो ये है हारमुज जल संधि। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है, और यही पद्मा जब ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है तो इसे जमुना कहा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाला वन किस प्रकार के होते हैं। तो इसे उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर प्रदेश की झाड़ियों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो भूमध्य सागरीय, मतलब भूमध्य सागर के आसपास, यहाँ भूमध्य सागर होता है तो उसके आसपास जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं उनको मैक्विस के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागरीय का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो उस वो कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, जो है इटली में सिचुएटेड है। ये पॉइंट पेट्रो और पिडरुटागाला किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ये पर्वत शिखर का नाम है, तो यह है श्रीलंका का पर्वत शिखर सर्वोच्च। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अपक्षय का कारण कौन सा रासायनिक होता है। तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये निकलता है रेफ्रिजरेटर से, AC से, एयर कंडीशन से, जो हम लोग रोजमर्रा के जीवन में यूज़ करते हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में किस परत में दैनिक मौसम परिवर्तन की घटना होती है। तो ये होती है शोभ मंडल में। ये शोभ मंडल में टाइपिंग एरर हो गया, शोभ मंडल ऐसे नहीं लिखते हैं, या श से क्षत्रिय वाला शोभ मंडल आता है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर कौन सी वायु बहती है। तो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत है, उसके उत्तरी जो ढाल है वहाँ पर फॉन नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उसे क्या कहते हैं। तो जैसे ये हवाएं हैं, अगर ये केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं तो इसे प्रतिचक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध बायोमा जलप्रपात किस नदी पर है। तो बायोमा जलप्रपात है, ये जायरे नदी पर स्थित है, और जायरे नदी कॉन्गो में स्थित है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में। क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये कैस्पियन सागर झील है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, ये है माउंट एकांकागुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, किस द्वीप को प्राचीन काल में सैंडविच द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो हवाई द्वीप है, उसको सैंडविच द्वीप कहा जाता था पहले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। किस महासागर में प्रवाल भित्ति प्रमुख रूप में पाई जाती है। तो प्रवाल भित्ति जो कि कोरल रीफ होती हैं, ये प्रशांत महासागर में बहुत मात्रा में या मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं। मान लो ये कोई ग्रह है और ये सूर्य है, तो
ये जब चक्कर लगाता है तो कभी ये सूर्य के पास होता है और कभी सूर्य के दूर होता है। तो जब सबसे ज़्यादा दूर होता है तो उसे बोलते हैं अपसौर, और अगर ये पास होता है, सबसे कम दूरी जब होती है तो उसे बोलते हैं उपसौर। तो अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं। अ से अधिकतम, अ से अपसौर, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्ते कबीर मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये नाम से थोड़ा सा पता चल रहा है कि ईरान में स्थित है। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एलिफेंटा पास के नाम से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलाशय को कहा क्या कहा जाता है? जैसे कि ये अंडमान है और ये निकोबार है, अब इन दोनों के बीच में जो जलाशय जिसको अलग करता है तो उसे 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, और ये इसकी सीमा रेखा भी कही जा सकती है। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? ये ग्रीनविच समय है, तो अगर यहाँ पर अगर टाइम 0 होगा और 12 घंटे आगे, मतलब कि यहाँ पर ये स्थान, तो ये इससे 180 डिग्री पूर्व में होगा, क्योंकि ये ईस्ट है इस साइड में, तो यहाँ पर 180 डिग्री पूर्व होगा। अगर यही चीज़ पूछा जाए कि 12 घंटे पीछे है तो हम बैक में चले जाएंगे और ये वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये फिर 180 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ अपना ध्यान में रखिएगा कि आगे होता है, जैसे कि हमारी इंडिया है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, आगे मतलब कि यहाँ पर ईस्ट में आएगी इंडिया। तो इससे आप लोग ये समझ सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना के आपको मानक समय कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, निकालते हैं, वो मैं बता दूंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ये पृथ्वी है यहाँ पर, और अगर यहाँ पर बीच में यहाँ पर भूकंप केंद्र की उत्पत्ति होती है तो इसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है। पृथ्वी के किस क्रिया द्वारा क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? तो ज्वालामुखी द्वारा। मान लीजिए ये पर्वत है, यहाँ पर कोई ज्वालामुखी यहाँ से निकलता है तो यहाँ पर एक झील बन जाती है, तो अगर इस झील में पानी भर जाता है तो उसे ही क्रेटर और काल्डेरा बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं, किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है? तो कनाडा के पास सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। विद्युत उत्पादन के लिए ऊर्जा का उपयोग सबसे पहले किस देश ने किया था? तो सबसे पहले किया था इटली में, ऊर्जा का उपयोग किया था विद्युत उत्पादन के लिए। किस जाति के लोग दूध को खट्टा करके पीते हैं? तो खिरगिज जनजाति के लोग दूध को खट्टा करके पीते हैं, ये मुख्यतः अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति है। नेक्स्ट, 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तो उसकी राजधानी किस शहर को बनाया गया? तो उस समय जब उसकी राजधानी बनाई गई तो वो नेल्लोर को बनाई गई थी। कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फलों के बगीचे को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो ये सांता आना पवन है जो फलों के बगीचे को नुकसान पहुंचाती है। वातावरण में वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो ये आयन मंडल है। जब यहाँ से रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं आयन मंडल में, तो वहाँ से जब परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती है तो ये आयन मंडल से ही परावर्तित होती है। इसी से हमें रेडियो सुनाई देता है, ये टेलीविज़न हम लोग देख सकते हैं, ये वही तरंगे होती हैं, ये आयन मंडल में होती हैं। तो आज की ये सुपर 30 यहीं ख़त्म होते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।